स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, बहुत ही खुश हैं। अब आप नई क्लास में आ चुके हैं, थर्ड क्लास पास करके अब आप आ गए हैं फोर्थ क्लास में। अब आपकी, आप जानते हैं कोविड के कारण आपकी स्कूल में तो क्लासेस नहीं शुरू हो पा रही हैं, लेकिन आपकी स्टडीज़ बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए हम फिर से एक बार आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, मैं हूँ हर्षी खत्री और मैं इन ऑनलाइन क्लासेस में आपको एसएस यानी सोशल साइंस पढ़ाऊंगी। आई होप स्टूडेंट्स, आप सभी ने अपनी फोर्थ क्लास की बुक्स ले ली होंगी, और अगर आपने नहीं ली तो आप जल्दी से जल्दी बुक्स ले लीजिए, क्योंकि अब आपकी ये क्लासेस रेगुलर हो रही हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्लास में एसएस का पहला चैप्टर, और ये पहला चैप्टर ये है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसमें हम इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसा कि नाम दिया हुआ है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के लैंड फॉर्म्स, यहाँ की लैंड और यहाँ से इंडिया से रिलेटेड कुछ बातें हम जानेंगे। तो अपने देश के बारे में कुछ खास बातें हम इस लेसन में जानेंगे। तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। आप सभी के पास, जिसके पास भी बुक्स हैं, आप अपनी बुक्स लेके बैठिए, साथ में पेंसिल रखिए, और ध्यान रखिएगा मैं कहाँ पढ़ रही हूँ, आप भी उसको अच्छे से रीड करना और आपको ध्यान से सुन के समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी लिव इन इंडिया विच इज़ द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इट हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अबव 125 करोड़। इट फॉर्म्स अ लार्ज पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। द माउंटेन्स एंड सीज सेपरेट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। इट इज बाउंडेड इन द नॉर्थ बाय द ग्रेट हिमालयस। इट इज सराउंडेड बाय थ्री वाटर बॉडीज, द अरेबियन सी इन द वेस्ट, द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ। द इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर आवर कंट्री। तो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में हमें इंडिया के बारे में कुछ खास बातें बताई हैं, हमारे देश इंडिया के बारे में कुछ खास बातें बताई गई हैं। क्या है वो? सबसे पहले, इंडिया जो है वो सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है, यानी वर्ल्ड में अगर हम एरिया वाइज देखें, लैंड वाइज देखें, तो इंडिया सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है। छः कंट्री हैं जो इंडिया से बड़ी हैं, सेवन नंबर पे हमारी इंडिया आती है। साथ ही साथ अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें, यानी लोगों की संख्या, तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड पॉपुलेटेड कंट्री है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है चाइना में, चाइना के बाद सेकंड नंबर पर हमारा इंडिया आता है। तो अगर एरिया वाइज देखा जाए, इंडिया सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है, अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। अब पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की? इंडिया की पॉपुलेशन 125 करोड़ से भी ज़्यादा है। इट इज़ अबाउट 125 करोड़। हमारा इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? इट इज़ इन एशियन कॉन्टिनेंट, एशिया में हमारा इंडिया आता है। आप जानते हैं वर्ल्ड को सेवन कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो हमारा इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। और अब इंडिया के बारे में देखिए, इंडिया के आसपास क्या है? हमारे इंडिया के नॉर्थ में ऊपर हिमालयाज हैं, माउंटेन्स हैं हिमालय के, और अगर हम नीचे साउथ की तरफ देखें तो ये थ्री वाटर बॉडीज में, आपकी बुक में ये मैप दिया हुआ है पेज नंबर 7 पर, आप इस मैप को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। ये साउथ की तरफ इंडिया थ्री वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। यहाँ नीचे साउथ में इंडियन ओशन है, इस तरफ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, इधर वेस्ट में अरेबियन सी है। ये आपके इधर लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ वेस्ट में अरेबियन सी है, यहाँ पर ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, और नीचे इंडियन ओशन है। इस तरीके से थ्री वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, और इसके नॉर्थ में
हिमालयस के माउंटेन्स हैं, हिमालया माउंटेन रेंज यहाँ पर आती है जो उसे बाकी एशिया से, बाकी एशियन कंट्री से सेपरेट करती हैं, अलग करती हैं। इंडिया हैज़ सेवरल कंट्रीज एज हर नेबर, चाइना, नेपाल, भूटान आर टू हर नॉर्थ, बांग्लादेश एंड म्यांमार लाए टू द ईस्ट, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान टू द वेस्ट, टू साउथ लाए श्रीलंका एंड मालदीव्स। इन शेप इंडिया इज ब्रॉड इन द मिडल एंड नैरो टूवर्ड्स द साउथ, फॉर्मिंग अ ट्राइंगुलर शेप। इट लाइज इन द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखना इसी मैप में, अब इस पैराग्राफ में हमें इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ यानी पड़ोसी देश बताए हुए, इंडिया के पास में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। अब ऊपर देखिए, ऊपर की तरफ इंडिया के ऊपर इधर नॉर्थ में ये चाइना आ जाता है, इधर नेपाल आ जाता है और ये भूटान। अब अगर आप ईस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर बांग्लादेश है और म्यांमार है। अगर आप वेस्ट की तरफ देखो तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। और साउथ में आएंगे तो यहाँ पे श्रीलंका है और यहाँ पर मालदीव्स हैं। तो ये सभी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, इधर नॉर्थ में चाइना, नेपाल, भूटान, इस तरफ ईस्ट में बांग्लादेश और म्यांमार, यहाँ पर वेस्ट की तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान है और नीचे श्रीलंका और मालदीव्स। इसके अलावा अब हम इंडिया की शेप देखें तो आप अच्छे से मैप में देख सकते हो कि इंडिया सेंटर में से चौड़ा है, ब्रॉड है, चौड़ा है, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो इसकी चौड़ाई कम होती जा रही है, इसकी ब्रॉडनेस कम होती जा रही है, जिसकी वजह से ये एक ट्राइंगुलर शेप आ जाती है, ट्राइंगल की शेप में लगता है, नीचे की तरफ ये ट्राइंगल की शेप में हमें नज़र आता है। और साथ ही साथ आप देखिए कि इसकी लोकेशन वर्ल्ड में देखें तो यहाँ पर इक्वेटर के ये नॉर्थ में है, इक्वेटर इंडिया के नीचे से होती है और इंडिया के बिल्कुल सेंटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कितना होता है 23.5 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बिल्कुल सेंटर से निकलती है। तो चलिए अब इसी में आगे बढ़ते हैं, और भी हमें चीज़ें दी हुई हैं। लुक एट द गिवन मैप, यू विल सी टू ग्रुप ऑफ आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल, लक्षद्वीप आइलैंड्स इन द अरेबियन सी। There are 28 states and 9 union territories in India. Delhi is the national capital territory. अब आप देखिए इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं, आप सभी जानते हैं इंडिया का ये मैप देखिए, इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं, राजस्थान है, हरियाणा है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, टोटल ये आपको ये सारी स्टेट्स दिखाएंगे, ये टोटल 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरेटरी हैं, और जिसमें से जो हमारी कैपिटल है वो दिल्ली है जो एक यूनियन टेरिटरी है, तो इसे हम नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी कहते हैं। साथ ही इधर हमारे आप देख सकते हैं इंडिया में ही इंक्लूड है, यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं और साथ ही यहाँ पर हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये भी हमारे इंडिया का पार्ट है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो अब इस चैप्टर में नेक्स्ट हमारा आ जाता है फिज़िकल फीचर्स, तो इसको हम डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक आपको अच्छे से लेसन रीड करना है। गुड बाय।